खबर अयोध्या उत्तर प्रदेश से है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवो तथानी तुलसी विवाह भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस एकादशी के दिन अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा की जाती है। मान्यता यह है कि परिक्रमा भक्तों के पापों को नष्ट कर उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। पंचकोशी परिक्रमा आज रात 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी, वहीं कल पूरे दिन चलेगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि नगर निगम की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह विश्राम स्थल बनाए गए हैं। परिक्रमा मार्ग पर बालू डलवा दिया गया है, श्रद्धालुओं के पैर में कंकड़ पत्थर ना लगे। प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वहीं CEO अयोध्या डॉक्टर राजेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल भी लगा दी गई है। परिक्रमा को डॉन रात 8 बजे के बाद शुरू हो रही है और कल शाम तक लगभग चलेगी। इसको लेकर के प्रशासन ने जो पंचकोशी रूट है इस पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। इस पूरे रूट को हमने लोगों ने लो व्हीकल जोन घोषित किया हुआ है। इस पूरे रास्ते पे कहीं भी कोई गाड़ी नहीं आने पाए किसी की भी, साथ साथ क्योंकि श्रद्धालु पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, कहीं कोई खतरा ना हो, जगह जगह हम लोगों ने जहाँ भी जैसे गड्ढे हैं या कहीं मोड़ है तो प्रॉपर बैरिकेडिंग की हुई है ताकि कहीं से भी श्रद्धालुओं को असुविधा ना होने पाए। साथ साथ जगह जगह हम लोगों ने पूरे रास्ते पर फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है। बाहर की तरफ रूट डायवर्जन किया गया है और साथ ही साथ CCTV कैमरे, ड्रोन कैमरे आदि के माध्यम से हम लोग लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं। साथ पुरुष के साथ साथ महिला अर्चकों को भी नियुक्त किया गया है। सादे आर में भी पुरुष महिला अर्चक नियुक्त किए गए हैं जगह जगह विभिन्न पॉइंटों पे। तो लगातार हम लोग की व्यवस्था बनी हुई है और हम लोग निगाह रखे हुए हैं कहीं भी श्रद्धालुओं की किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए, जैसा कि यहाँ के परंपरागत लोगों ने भी बताया है कि 14 कोसी से भीड़ लगभग 1.5 गुनी होती है हमेशा, तो इसलिए अनुमान लगा रहे हैं कि 14 कोसी परिक्रमा से लगभग 1.5 गुनी भीड़, 50 लाख के ऊपर यहाँ पर श्रद्धालु परिक्रमा करेंगे।